जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। तो ये ब्लेजर है जो मैं इस मशीन में वॉश करने वाला हूं दोस्तों। और सबसे पहले इस वीडियो का डिस्क्लेमर मैं बता देता हूं आपको कि सभी तरह के ब्लेजर्स आप मशीन में वॉश नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको फैब्रिक पहचानते आना चाहिए, आपको कलर पहचानते आना चाहिए, तब जाके कुछ 100 में से एक दो ब्लेजर ऐसे होंगे जो आप मशीन में वॉश कर सकते हो। अदरवाइज मशीन में वॉश करने से ब्लेजर की जो ओरिजिनल फिनिशिंग होती है वो खराब हो जाती है, ब्लेजर श्रिंक हो जाता है, ये जो यहाँ पे जो पैड होता है वो श्रिंक हो जाता है, इसमें और इसमें चेंज हो जाता है, मतलब ये उखड़ जाता है यहाँ से। सभी ब्लेजर्स को इस तरह से, सभी कोट को इस तरह से वॉश नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कीजिए और वॉश करने के बाद में आयरनिंग, फिनिशिंग, स्टीम आयरनिंग, ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लेजर और कोट के लिए। तो चलो अभी मैं इसमें आपको ब्लेजर वॉश करके दिखाता हूं, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये ब्लेजर मशीन में डालते हैं दोस्तों, इसके पॉकेट्स वगैरह सारे चेक कर लेंगे। तो ये गया आपका ब्लेजर, सिंगल ब्लेजर ही डाल रहा हूं दोस्तों मैं मशीन में। इसको इस तरह से लॉक कर देंगे और इसके लिए जो मैं केमिकल यूज करने वाला हूं ना, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये है अल्टीमा फैब्रिक ब्राइटनर, क्योंकि ब्लेजर में शाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और उसके बाद में यूनिवैक्स का क्लोथ स्टेन रिमूवर, क्योंकि ब्लेजर में स्वेटिंग के स्टेन होंगे, फूड के स्टेन होंगे, डर्ट होगा, मैल होगा, तो वो छुड़ाने के लिए हमारे पास क्लोथ स्टेन रिमूवर चाहिए। उसके बाद में IMV प्लग लिक्विड है, इसका स्मेल काफी अच्छा है और वॉशिंग की जो प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत ही अच्छा है, मेरे पास हमेशा रहता है IMV लिक्विड। और तीनों प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके ऑनलाइन बाय लिंक है, तो जाके चेक कर सकते हो और बाय कर सकते हो। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं। तो ये गया हमारा IFB लिक्विड, ये प्रे वॉश है दोस्तों और ये मेन वॉश है। प्रे वॉश में भी थोड़ा सा डालेंगे हम, ओके। और ये अल्टीमा फैब्रिक ब्राइटनर है, थोड़ा सा ही डालेंगे हम, कुछ 8-10 ड्रॉप्स ही डालेंगे, ओके। एक ही ब्लेजर है तो ये गया हमारा मटेरियल। और इसको हम वॉश करेंगे दोस्तों, एक्सप्रेस वॉश में करेंगे वॉश, 800 RPM पे ये होगा। तो चलो इसको करते हैं शुरू। अब ये मशीन लॉक हो गया है, तो मैं पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए मशीन ने पानी लेना शुरू कर दिया है, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ऐसी यूजफुल वीडियो अगर आपको देखनी है ना, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ये तीनों प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है दोस्तों। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलो मैं आपको कुछ ही देर में दिखाता हूँ किस तरह से ब्लेजर हमारा क्लीन हुआ है। तो वॉशिंग शुरू है दोस्तों ब्लेजर की। तो दोस्तों हमारा वॉशिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो ये हो गया हमारा ब्लेजर, अब इसको हम छांव में सुखाएंगे दोस्तों। और अच्छे से क्लीन हो गया है और देख लीजिए, अभी इसको मैं स्टीम प्रेस करने वाला हूं दोस्तों। ये थोड़ा अभी गीला है, इसको मैं सुखाऊंगा। तो बस ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
ज्यादा व्यूज आने पर इस वीडियो के और भी मैं पार्ट अलग अलग बनाऊंगा दोस्तों। तो बस जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।